सरकारी गेहूं की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। खाद्य विभाग ने एक प्राइवेट गोदाम पर छापा मारा है, जिसमें सैकड़ों बोरी गेहूं की कालाबाजारी की बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि खाद्य विभाग के आला अधिकारियों और स्थानीय सेल्समैन की मिलीभगत से इस सरकारी गेहूं में सेंध लगाई जा रही थी। अनूपपुर में कैबिनेट खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह के गृह जिले में ही खाद्यान्न की कालाबाजारी हो रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि खाद्य विभाग के आला अधिकारियों और स्थानीय सेल्समैन की मिलीभगत से हो रहा था। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद एक प्राइवेट गोदाम पर खाद्य विभाग ने छापा मारा। यह छापा अनूपपुर जिले के कोतमा तहसील अंतर्गत प्राइवेट गोदाम पर मारा गया था। छापा पड़ने पर बहुत देर तक गोदाम मालिक ने प्रशासन को गुमराह करने की भी कोशिश की। कई घंटों तक खाद अधिकारी और तहसीलदार के गोदाम के बाहर बैठने के बाद प्रशासन द्वारा शटर काटकर माल बरामद करने की कार्रवाई जारी की गई, जिसमें सैकड़ों बोरी गेहूं होने का अनुमान लगाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।